क्लास सिक्स लेसन फोर द शॉप दैट नेवर वाज एजी वेल्स। लेट्स रीड। आई हैड सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम अफार सेवरल टाइम। आई हैड पास्ड इट वंस और ट्वाइस बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन। वन डे My son dragged me up to the shop. There was such keenness in him that I was forced to get in. I had seen the magic shop from afar several times. लेखक H.G. Wells कहते हैं कि मैंने मैजिक शॉप को बहुत बार देखा है और आई पास्ड इट वंस और ट्वाइस। मैं उसके पास से वंस और ट्वाइस मतलब एक दो बार गुजरा भी हूँ। बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन। लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि मैं दुकान पे जाऊँ या दुकान के अंदर जाऊँ। One day my son Gib dragged me up to the shop. एक दिन one day क्या होता है उनका लड़का लेखक का लड़का Gib क्या करता है dragged मतलब खींचते हुए उनको क्या करता है shop पे ले जाता है खींचते हुए shop पे ले जाता है। There was such keenness in him उनके अंदर उसके मतलब गिब के अंदर इतनी उत्सुकता थी कि लेखक क्या होते हैं I was forced to get in लेखक दुकान में जाने के लिए राजी हो जाते हैं यानी कि दुकान के अंदर चले जाते हैं। अब आ जाते हैं पैराग्राफ टू में। पैराग्राफ टू जानने से पहले कुछ वर्ड्स का मतलब जान जाते हैं जैसे नीनेस किननेस। किननेस का मतलब होता है कि उत्सुकता या इच्छा। ड्रैग मतलब होता है खींचते हुए। या घसीटते हुए बोल सकते हैं। ठीक है अब आते हैं पैराग्राफ दो। It was a little narrow shop, not very well lit. On the shop counter, there were several crystal balls. On the floor, there were magic mirrors, one to draw you out long and thin, and one to make you short and thin. While we were laughing at all this, the shopman appeared. यहाँ लेखक दुकान के बारे में मैजिक शॉप के बारे में बताते हैं कि दुकान कैसा था। लिटिल नैरो शॉप मतलब बहुत छोटा छोटा पतला दुकान और नॉट वेरी वेल लिट मतलब प्रकाश भी उतना ज़्यादा नहीं था मतलब अंधेरा जैसा था कुछ दुकान में लाइट उतना नहीं जल रहा था। Not very well lit. On the shop counter पे क्या था There were several crystal ball. Crystal ball क्या होता है एक गोल बॉल जैसा कांच का जिसके जादू दिखाने के लिए जो देखते हैं ना जिसे कांच का गोला जो होता है उस तरह का गोला। On the floor, और फ्लोर पे क्या था ऑन द फ्लोर ये तो दुकान के काउंटर पे था और फ्लोर पे क्या था फ्लोर पे मैजिक मिरर्स कैसे थे एक था कि जो आपको पतला और लंबा कर देता है लॉन्ग एंड थिन लंबा और पतला कर देता है और दूसरा कैसा था वन टू मेक यू शॉर्ट एंड फैट और दूसरा मिरर था जो आपको नाटा और
मोटा कर देता है। वाइल वी वेयर लाफिंग ऑल दिस एट ऑल दिस, लेखक और उनका लड़का जो गिप था वो क्या कर रहे थे, इन सबको देखकर इंजॉय कर रहे थे या हंस रहे थे। तभी क्या होता है, द शॉप मैन एपियर्ड, और शॉप मैन प्रकट हो जाता है। तो एपियर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। क्रिस्टल बॉल का मतलब समझ में आ गया, कांच का बॉल, चमकीला। अब आते हैं आगे। शॉपमैन अपीयर होते ही पूछा, क्या, हाउ कैन आई हेल्प यू, सेड ही। कौन बोला, शॉपमैन। क्या बोला, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। फिर लेखक बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू बाई माई लिटिल बॉय ए फ्यू सिंपल ट्रिक्स आई सेड। मैं अपने लड़के के लिए क्या लेना चाहता हूँ, फ्यू सिंपल ट्रिक्स, कुछ जादू का सामान, सिंपल ट्रिक्स खरीदना चाहता हूँ। सेड द शॉपमैन, शॉपमैन क्या बोला, एंड स्क्रेच्ड हिज हेड, और अपने हेड को स्क्रैच किया, मतलब खुजाया, अपने सर को खुजाया फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, एज इफ थिंकिंग, जैसे कि कुछ सोच रहा हो उस तरह अपने सर को खुजाया। देन ही ड्रू फॉर हिज हेयर ए ग्लास बॉल एंड सेड समथिंग लाइक दिस, और क्या किया, एक कांच का बॉल, ग्लास बॉल, कांच का बॉल कहाँ से निकाला, हेयर से, और बोला कि कुछ इस तरह का, समथिंग लाइक दिस, एंड हेल्ड इट आउट, और फिर दोबारा उसे वापस रख लिया। द एक्शन वॉज अनएक्सेप्टेड, ये एक्शन कैसा था, अस्वाभाविक, एक्शन कैसा था, अस्वाभाविक। आई हैड सीन द ट्रिक डन एट मैजिक शो, मैंने ऐसा ट्रिक कहाँ देखा था, यहाँ कौन बोल रहा है, लेखक, कि मैंने ऐसा ट्रिक देखा है कहाँ पे, मैजिक शो में, बट आई हैड नॉट एक्सेप्टेड इट हेयर, लेकिन मैं इसे इस जगह पर एक्सेप्टेड नहीं किया था, मतलब मुझे आशा नहीं थी कि यहाँ पे ये ट्रिक मुझे देखने को मिलेगा। दैट्स गुड आई सेड विथ ए लाफ, मैं, लेखक ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, और हंसते हुए कहा। इज नॉट इट, सेड द शॉपमैन, क्या यह नहीं है, सेड द शॉपमैन, शॉपमैन ने कहा। गिप स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू टेक दिस ऑब्जेक्ट एंड फाउंड मेयरली ए ब्लैंक पाम, गिप ने उस वस्तु को लेने के लिए, मतलब छीनने के लिए, स्ट्रेच आउट किया अपने हाथ को, उस वस्तु को लेने के लिए स्ट्रेच आउट, मतलब बढ़ाया, बढ़ाया या लंबा किया उस वस्तु को लेने के लिए, अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन क्या मिला उसे, खाली हाथ, उसे क्या मिला, ब्लैंक पाम, ठीक है। हमने पूरे लेट्स रीड को पढ़ लिया, अब आगे आते हैं। आगे क्या है, देखिए वर्ड नेस्ट दिया हुआ है, नीनेस, नीनेस मतलब क्या होता है, किननेस, किननेस मतलब होता है एगरनेस,
मतलब उत्सुकता। क्रिस्टल मतलब क्या होता है, शाइनी ग्लास बॉल।